और यहाँ पे हर एक चीज़ का फैसिलिटीज़ बहुत अच्छे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे हॉस्टल और भी आगे तक जाए। सबसे अच्छा हॉस्टल यही है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है। पढ़ के क्या बनने का इरादा? जी मैं डॉक्टर बनूंगी, नीट की तैयारी करती हूँ। नीट की तैयारी कर रहे हैं। मैं ठाकुरगंज से हूँ और मैं इस हॉस्टल में बहुत दिनों से रह रही हूँ। सुबह के नाश्ते में ये पूरी सब्जी मिलती है, खिचड़ी मिलती है, चना मुड़ी मिलती है। सर आपका क्या सपना है? जैसे उन्हें यूपीएससी की तैयारी, मुझे नीट करना है। यस सर, करना है तो उसको पैसा सबको क्यों लूटना नहीं है हम लोगों को, बल्कि एक अच्छे डॉक्टर बनना है। अच्छा। सब कुछ अच्छा लगा है, मतलब खान पीन, रहना सहना, सब कुछ घरेलू माहौल की तरह है। और पढ़ाई का यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है। कहाँ से हैं? मैं बंगाल से हूँ, दिगली गांव से। बंगाल के दिगली गांव से हैं। अपने पापा का सपना पूरा करना है। पापा का सपना पूरा करेंगे। यस। तमन्ना मुद्दतों से है जमाले मुस्तफा, देखो कैसे जीऊंगी कैसे, बता दे मुझको तेरे बिना। किशनगंज में मैं देख रही हूँ फिजा जो गर्ल्स हॉस्टल है, किशनगंज के भीड़ भाड़ इलाके से थोड़ा दूर और स्वच्छ जगह पे शांति माहौल है यहाँ पे, जहाँ पे ये फिजा गर्ल्स हॉस्टल है और काफ़ी अच्छा है पढ़ाई के मामले में। और हम भी अभी बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस का इसका। और हम ये रूम मेरा ही मतलब नीचे वाला है, तो यहाँ पे बहुत शांत माहौल है ऐसा। मतलब हम पहले भी यहाँ पे किशनगंज में और दूसरे हॉस्टल में रह चुके हैं, तो वहाँ के और यहाँ के माहौल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब हो सके इसी हॉस्टल में दे, क्योंकि यहाँ की सुविधाएँ बहुत ही अच्छी है और यहाँ पर पढ़ने में बहुत ही अच्छी है। मतलब कि कोई चीज़ की प्रॉब्लम कभी नहीं होती है और यहाँ पर ना तो हल्ला शोर शराबा भी नहीं। मतलब कि भारतीय शरीर मेरा, देश मेरी जान है, अकेला मैं तो कुछ नहीं, मेरे देश से पहचान है, गर्व मुझको खुद पे भारतीय होना शान है। तू ना समझ तो ले समझ, क्यों जान के अनजान है। बेटे लड़ते रहे सर जमीन के लिए, बेटियां बस खुशी से दुआ दे गई। सच है हम लोगों के उन दिनों में घर कच्चे थे, घर तो कच्चे थे लेकिन रिश्ते सारे पक्के थे। अस्सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं क्यूरीबी लाइव। हम मौजूद हैं किशनगंज मदीना मार्केट में स्थित फिजा गर्ल्स हॉस्टल में, जिनके डायरेक्टर एम के रहमान साहब हैं। सादिया पब्लिक स्कूल भी इनका लारा चौक के करीब है, उन्हीं के डायरेक्टर फिजा गर्ल्स हॉस्टल चला रहे हैं। मैं यहाँ के बच्चियों से बात करना चाहूँगा। तमाम तर विजुअल में आप हॉस्टल की जो सुविधा है वो देख पा रहे होंगे। एक ओपन हॉस्टल है ये बच्चों के लिए, चूँकि जब हम बच्चों की तालीम की बात करते हैं तो हमें बहुत सारी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। उनकी सुरक्षा से जुड़े हुए सवालात हमारे जहन में उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम कहीं भी नहीं डाल सकते हैं। जहां पर हम 100% सिक्योर महसूस करें वहीं पर उन्हें हम डाल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फिजा गर्ल्स हॉस्टल जो है वो आपके बच्चों के लिए काफ़ी सिक्योर है और आप यहाँ पर उसे मुतमईन तरीके से उसे आप अपने बच्चियों को यहाँ दे सकते हैं। तो चलिए थोड़ी ही देर में हम यहाँ के डायरेक्टर, यहाँ के जो इंचार्ज है, जो यहाँ की बच्चियाँ हैं जो यहाँ पे खुद रहती है, तमाम तर लोगों से बात करूँगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहे। तो फाइनली अब हम फिजा गर्ल्स हॉस्टल में मौजूद हैं। हम अंदर प्रवेश करेंगे और जो बच्चियाँ यहाँ पर पढ़ाई के लिए, अच्छी एजुकेशन लेने के लिए मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले जो हम ये पहला, जिसे आप देख पा रहे होंगे, ये तमाम तरह जो विधि व्यवस्था है वो आपको दिख रहा होगा। कुछ बच्चियाँ भी यहाँ पर मौजूद है, शायद वो लोग यहीं पर रहती होगी। हम उनसे बातचीत करना चाहिए और यहाँ की फैसिलिटी, तमाम तरह चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हो बाबू? मेरा माई सेल्फ सद आफरीन, मैं यहाँ पे 1 मंथ से रह रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं एम के रहमान सर को थैंक्स बोलना चाहूँगी, क्योंकि वो यहाँ पे हर एक चीज़, हम लड़कियों के लिए यहाँ पे हर एक चीज़ का अवेलेबल है और यहाँ पे हर एक चीज़ का फैसिलिटीज़ बहुत अच्छे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे हॉस्टल और भी आगे तक जाए और यहाँ पे तो हम एम के रहमान सर हमारे लिए इतने अच्छे हॉस्टल दिए हैं कि यहाँ पे हम तालीम हासिल कर सके और यहाँ पे हमारे लिए बहुत अच्छे रहने के लिए। कहाँ से हैं, घर कहाँ है? मेरा घर ग्वालपोखर गच्ची नगर है। ग्वालपोखर गच्ची नगर। पापा का नाम क्या है? मेरे पापा का नाम एम डी सादिक आलम है। चूँकि हॉस्टल
में जो एक सबसे अच्छी जो होती है, जब बच्चियों की तालीम की बात आती है तो जो भी पेरेंट्स होते हैं उन्हें बहुत सोचना पड़ता है और हम कहीं भी उन्हें नहीं डाल सकते हैं। तो दरअसल मैं जो जानना चाह रहा था, असल चीज़ वो थी कि क्या आपकी सुविधाओं का ख्याल रखा जाता है, चूँकि एक जो घर होता है और जो टीचर होता है उनमें थोड़ा गैप होता है, बहुत सारी बातें रही होगी, जिससे कि क्या जो यहाँ के इंचार्ज है उनका व्यवहार क्या है आप लोगों के प्रति? हमारे जो सर है वो हमारे फैसिलिटीज़ से बहुत अच्छे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे रह के। यहाँ पे हमको पढ़ाई के बहुत अच्छे सुविधा हैं, घर से भी अच्छे सुविधा हैं, यहाँ पे रहने के लिए हमारे अच्छे हैं। क्या बनना चाहते हैं आप पढ़ करके? हम तो आगे हो के हम UPSC का ये करना चाह रहे हैं, क्रैक करना चाह रहे हैं, उसके आगे जो कुछ सिंगिंग उंगिंग का कुछ शौक़ रखते हैं, गाना है कुछ सुना सकते हैं अगर हम कहें, कुछ याद हो आपको? नहीं, हमको कविता लिखना बहुत पसंद है। कविता लिखना या बोलना भी? बोलना भी। अगर हम चाहें कि कुछ कविता आपको जो आपकी जुबानी हो से? हमको हल्का फुल्का याद है तो हम देख के बोल सकते हैं। हम सबसे पहले एक लक्ष्य के बारे में कविता बोलेंगे। माना कि मुश्किल है सफ़र, फिर भी लक्ष्य को पाना है, मगर चलती राह पे बहुत सी मुश्किलात आएंगे, हमें हर हाल में लड़ना है, मगर अपने लक्ष्य पे रहना है अटल, हर मंजिल को करना है पार, और अपने लक्ष्य को पाना है। रिश्ते छोड़ो, घर छोड़ो, सब कुछ त्यागो अपने लक्ष्य के लिए, खूब करो मेहनत और हर मुश्किल को करो पार, और रहो अपने लक्ष्य पे अटल। माना कि मुश्किल है सफ़र, फिर भी लक्ष्य को पाना है, मगर बहुत 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 खूब। हमारे साथ और भी बच्ची हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सवाबी है। सवाबी, आप कहाँ से हुए? मैं ठाकुरगंज से हूँ और मैं इस हॉस्टल में बहुत दिनों से रह रही हूँ, मतलब कि मेरी सिस्टर भी यहाँ रह चुकी है, तो ये हॉस्टल बहुत ही अच्छा है और यहाँ पे हर चीज़ की सुविधा है, और यहाँ के डायरेक्टर एमके रहमान सर है, मतलब वो हर चीज़ में हम लोगों की कोई ऐसी नहीं होती कि हम लोगों की कोई कमी हो हम लोगों को। पापा का नाम क्या? पापा का नाम लाल मोहम्मद है। क्या करते हैं पापा? पापा बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन जी। कितने दिनों से आप यहाँ पर? हम यहाँ पे कम से कम एक साल हो जाएगा। जी। पढ़ाई यहाँ करते हैं कहीं और? पढ़ाई कहीं और करते हैं, यहाँ पे बस रहते हैं। क्या लगता है आपको पढ़कर क्या बनना चाहते हैं आप? क्या अगर आप पढ़ते हैं अच्छा करते हैं तो एक सोच होता है, एक सपना होता है, आपका क्या सपना है? जैसे उन्हें UPSC की तैयारी? मुझे नीट करना है। मुझे नीट करना है, तो उसके लिए तैयारी हो रही है आप? यस। नीट ही क्यों चुना आपने? क्योंकि हमको डॉक्टर ही अच्छा लगता है। डॉक्टर ही अच्छा लगता जी। है जी। डॉक्टर, आज कहा जाता है कि दो तरह के डॉक्टर होते हैं, एक वो होते हैं जो पेशेंट को लूटता है, और एक वो होते हैं जो मानवता के आधार पर चीज़ों को कह देता है। आप कौन सा डॉक्टर बनना? मानवता के आधार पर हमको ये इसको पेशेंट सबको क्यों लूटना नहीं है हम लोगों को, बल्कि एक अच्छे डॉक्टर बनना है। अच्छे डॉक्टर जी। एक्चुअली एमके साहब के बारे में तो उन्होंने काफ़ी बेहतर चीज़ की, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि एमके साहब तो हर हमेशा नहीं रहते होंगे, जो आपके इंचार्ज हैं जो हॉस्टल को देख रहे हैं, उनका क्या नाम है? उनका नाम आकृति सेना है। उनके व्यवहार को लेकर क्या कहना चाहिए? उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है, मतलब कि जो बोलते हैं वो हम लोगों का बात सुनती है और कभी किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होने देती है। क्या कहना चाहेंगे जो लोग हमें देख रहे हैं? बहुत सारे गार्जियन होंगे, हमारे अभिभावक होंगे, वो भी चाहेंगे कि मेरी बच्चियां को हम कहें दें, लेकिन जब मैंने कहा ना, जब बच्चियों की बारी आती है तो हमको 10 बातें सोचना पड़ता है, तो आप उनसे क्या मैसेज देना चाहें, क्या सिक्योर रहेगा इस हॉस्टल में दाना आप उनके लिए अपने बच्चियों को? मैं यही कहना चाहूँगी कि जहाँ तक हो सके इसी हॉस्टल में दे, क्योंकि यहाँ की सुविधाएँ बहुत ही अच्छी है और यहाँ पर पढ़ने में बहुत ही अच्छी है, मतलब कि कोई चीज़ की प्रॉब्लम कभी नहीं होती है, और यहाँ पर ना तो हल्ला शोर शराबा भी नहीं, मतलब कि सर हमेशा हम लोगों को इसमें रखते हैं, अच्छे से ये करने के लिए बोलते हैं। तो यही बोलूँगी कि जितने सारे भी बच्चे हैं जहाँ तक है यहीं पे आकर रहे। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, उसके लिए तमाम तर चीज़ें जो है, हाँ क्या आपको कुछ शौक़ है गाने का, तमाम तर कोई चीज़ें कोई है, आपकी हॉबी क्या है? मुझे तो सिंगिंग करना अच्छा लगता है, बट मैं करूँगी नहीं। खेल कूद से इंटरेस्ट है आपको? जी। कौन सा खेल? हमको बैडमिंटन खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। बैडमिंटन खेलना जी। सानिया मिर्जा को जानती हैं? जी। कौन है वो? एक बहुत ही अच्छी खिलाड़ी है। अभी कहाँ है? अभी का तो नहीं पता। पाकिस्तान की बहू बन चुकी हो। इसी तरह अब हम दूसरे जो रूम है, बच्चियाँ थी वहाँ पर, जो उन बच्चियों से हमने बात किया, और भी बच्चियाँ हैं हमारे बीच, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। दरअसल हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि फिज़ा गर्ल्स हॉस्टल जो है उनकी सुविधाओं का क्या बच्चों पर ख्याल रखा जाता है, इसलिए बेहतर है कि बच्चियों से ही बात किया जाए, चूँकि सही चीज़ों को वही बता पाएंगे। हमारे साथ आप देख सकेंगे बच्चियाँ हैं, जिस तरह से हमने उस वार्ड में बच्चों से बात की। क्या नाम है बाबू? मेरा नाम शमा परवीन है। घर?
मेरा घर पौवाखाली। पापा का नाम? पापा का नाम एमडी शमशाद आलम। कहाँ पे पढ़ते पढ़ते कहाँ पे आप? मैं पार्थ इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट हूँ। फिजा गर्ल्स हॉस्टल के माहौल को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, यहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ की सारी जितनी सारी भी स्टूडेंट है सब बहुत अच्छे से रहती है। यहाँ की ऑल फैसिलिटीज, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, फूड, हेल्दी फूड और अदरवाइज सब कुछ बहुत अच्छा है। नाश्ते में क्या मिलता है? सुबह के नाश्ते में ये पूरी सब्जी मिलती है, खिचड़ी मिलती है, चना मुड़ी मिलती है, सब कुछ। आगे क्या इरादा है, पढ़कर क्या बनने का शौक रखती है समा? मैं आगे डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर के किस लाइन से डॉक्टर बनना चाहते हैं? मैं सर्जन डॉक्टर बनना चाहती हूँ। सर्जन डॉक्टर बनना? हाँ जी। और उसके लिए मेहनत भी बहुत करना होगा? जी करती हूँ। कोई शौक है आपकी, कोई हॉबी है? मेरी हॉबी ओनली बुक पढ़ना। ओनली बुक पढ़ना है? ओनली बुक पढ़ना आपकी हॉबी? खेल कूद तमाम चीज़ें से इंटरेस्ट नहीं रहा? ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है खेल कूद। किसी महापुरुष की किसी कहानी को पढ़ने का शौक रखते हैं? हाँ जी रखती हूँ। APJ अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में, वो हमारे देश के लिए समर्पित थे, बहुत बेहतर कार्य किए। अगर समाज डॉक्टर बनती है तो क्या समाज सिर्फ पैसे कमाने तक महदूद रहेगी, या फिर समाज के लिए भी कुछ जो गरीब लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, जो वेबस लोग हैं, कभी कभार फ्री में इलाज कर पाएंगे क्या? हाँ जी बिल्कुल। उम्मीद करें आपसे? जी बिल्कुल। जब डॉक्टर बनने के बाद फिर आपके इरादे बदल जाए तो? जी नहीं बदलेगी इंशाल्लाह ज़रूर। चलिए हम और लोगों से, बच्चियों से बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम सायमा निगार है। सायमा निगार कहाँ से हैं? मैं बंगाल से हूँ, दिगली गांव से। बंगाल के दिगली गांव से हैं। पापा का नाम? सब्बीर आलम। सब्बीर आलम कितने दिनों से हैं इस हॉस्टल में? 6 महीने हो गए। 6 माह हो गया, आधा साल हुआ है जी। इस 6 महीने में आपने क्या महसूस किया? आप बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जो देख रहे होंगे और वो भी चाह रहे होंगे कि हम अपनी बच्चियों को कहीं ना कहीं हॉस्टल में दें, तो क्या उनके लिए ठीक रहेगा फिजा गर्ल्स हॉस्टल में देना? जी बिल्कुल, यहाँ पे बहुत ही अच्छे से रहा जाता है, हम लोग यहाँ बहुत मिलजुल के भी रहते हैं और सारी फैसिलिटी दी जाती है, और सर हम लोग अपने बच्ची की तरह रखते हैं। सर आपको बच्ची की तरह रखते हैं। जो हॉस्टल इंचार्ज है उनका क्या नाम है? जी MK रहमान सर। नहीं वो तो ऑनर हो गए, जो आपके हॉस्टल के इंचार्ज है वार्डन। वार्डन ओ आकृति अपी। चूँकि आपकी जो देख रेख की जिम्मेदारी है आपके MK सर से ज़्यादा उनकी जिम्मे में आता है, तो बेहतर होता कि हम उनकी भी व्यवहार को लेकर जाने, उनके प्रति आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कुछ है? जी अपी भी बहुत अच्छे से हम लोग का ख्याल रखती है, किसी को कुछ प्रॉब्लम होते तो अच्छे से सॉर्ट आउट कर देती है, और कुछ भी प्रॉब्लम हम लोग उनसे शेयर कर सकते हैं अच्छे से। क्या बनना चाहेंगे आप आगे पढ़ करके? हम मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। आप भी डॉक्टर बनना चाहेंगे? जी। वो सर्जन के का सोच रखते हैं और आप? जी हम भी सर्जन का ही रखते हैं। आप भी सर्जन बनना जी? ये आपकी सोच है ना उनको देख? नहीं मेरी ही सोच है ये, मैं ये बचपन से ही शौक रखती हूँ। बहुत मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए? जी मैं मेहनत भी करती हूँ। करती हूँ। कुछ शौक है, कोई हॉबी है गाने का, बोलने का, भाषण का, कि कोई शौक है आपको? जी मुझे खेलना भी पसंद है, गाना भी पसंद है। और क्या नाम हुआ आपका? तमन्ना। तमन्ना कहाँ से है? हम बंगाल से हैं, गांव का नाम बालीचर है। गांव का नाम क्या बोला? बालीचर। अब्बू क्या करते हैं? अब्बू काम ये है, तब किसान है। किसान है, चलिए बहुत बड़ी बात है। चूँकि किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, आज अगर हम स्वस्थ हैं, अगर आज हमें सही चीज़ें मिल पा रही है तो किसानों की बदौलत है, और किसान जब ठान लेते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि जो डॉक्टर है, जो और कुछ हैं, लेकिन आज एक किसान की बेटी भी हॉस्टल में रहती है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या बनने का सोच रखते हैं? हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। आप भी डॉक्टर बनना चाहते हैं? क्या लगता है आप, जो आपके गार्जियन ने जो अपनी गहरी कमाई को यहाँ पर खर्च करते हैं, जाहिर सी बात है, तो क्या उनकी उस सपने को आप पूरा कर पाएंगे, मेहनत करेंगे, या फिर घूम फिर में? अपने पापा का सपना पूरा करना है। पापा का सपना पूरा करेंगे? लगता है आपको कर पाएंगे? हाँ हम कर पाएंगे। कोई हॉबी, कोई शौक हो आपका? बुक पढ़ने का। बुक पढ़ने का? कहानियाँ पढ़ने का शौकीन है क्या? नहीं नहीं ऐसे। बुक में क्या पढ़ना चाहते हैं? हम उर्दू पढ़ते हैं। उर्दू पढ़ते हैं। उर्दू में कुछ याद हो जो आप हमें सुना सकते हैं, कोई पोयम, कोई कहानी, कुछ किस्सा, कुछ भी? नहीं याद कुछ नहीं। क्या लगता है फिजा हॉस्टल का जो माहौल है, जो खान पान है, जो व्यवहार है शिक्षकों का बच्चों के, बच्चियों के प्रति, आपको लगता है कि जो होना चाहिए वो है? हाँ सब कुछ है। ये हॉस्टल का मतलब ये माहौल भी बहुत अच्छा है पढ़ने लिखने का,
और सर भी अपने बच्चों की तरह रखते हैं हम लोग को, अपने बच्चों की तरह रखते हैं। हाँ, एक चीज़ जो मैं चाह रहा था कि कोई बच्चियाँ हो जो थोड़ा गुनगुना दे, क्योंकि माहौल में लोग वीडियो देखते थे इरिटेट ना हो जाए, तो क्या कोई यहाँ ऐसी बच्ची नहीं मिलेगी जो थोड़ा सा गाने का शौकीन रखे, चाहे फिल्मी सॉन्ग हो या नात हो या कुछ भी, आपको लगता है कोई है? जी समर तो आता है। चलिए, जब आपका नाम लिया गया तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा, क्योंकि जब लोग देख रहे होंगे कंटिन्यू, तो वो बोर फील ना करे और उसको इरिटेट ना हो, तो थोड़ा सा एक मिनट के लिए कुछ गुनगुना दे आप। मैं नात पढ़ना चाहूँगी। हाँ, बेशक। तमन्ना मुद्दतों से है जमाले मुस्तफा देखो, तमन्ना मुद्दतों से है जमाले मुस्तफा देखो, इमामुल अंबिया देखो हबीबे किबरिया देखो, इमामुल अंबिया देखो हबीबे किबरिया देखो, वो जिनके दम कदम से सुबह ने भी रोशनी पाई, तमन्ना कल्ब अजमत की दुरूदों में बहा देखो। फिजा गर्ल्स हॉस्टल में मौजूद और भी कुछ बच्चियां हैं, जो कि अब हम ऊपर से नीचे आ गए हैं, तो यहां भी क्या कुछ है, यहां की बच्चियां क्या कुछ कह रही है, हम चाहेंगे कि उन बच्चियों से भी हम बात करके उनकी ओपिनियन को आपके बीच रखने का काम करेंगे। तो फाइनली हम जो नीचे का ये है वहाँ पर आए हुए हैं, और यहाँ पर भी आपको बच्चियाँ दिख रही होगी जो फिजा गर्ल्स हॉस्टल में पढ़ाई कर रही होगी। हम क्या नाम हुआ आपका? नेहा कुलसुम। नेहा कुलसुम कहाँ से है? नेहा कुलसुम लकेता। ये लकेता कहाँ पे पढ़ा? सिसावाड़ी रोटा साइड। अमोर जी। कब से है यहाँ पे? एक साल से। क्या लगता है यहाँ की जो विधि व्यवस्था है, जो रहन सहन है, जो खान पान की जो व्यवस्था है, सही है? जी सब सही है। अब कंफर्टेबल महसूस करती है, घर जैसा माहौल मिल पाता है? जी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है तक। क्यों पढ़ती है आप? क्या सोच, इसका सपना क्या है, पढ़ कर क्या करना है? डॉक्टर बनना है। यहाँ की अधिकतर बच्चियाँ डॉक्टर बनना चाहती है। एक बच्ची सिर्फ UPSC का नाम लिया, क्या नाम था उनका, बाकी तमाम तर बच्चियाँ डॉक्टर बनना चाहती है। जी। आप भी डॉक्टर बनना चाहते हैं? कौन सा डॉक्टर? BDS। BDS तैयारी हो रही है उसके लिए? जी। उम्मीद है कि बनेंगे, आशा है आपको? जी सर। क्या हॉबी क्या है आपकी? डांस। जी। डांस के शौकीन है आप? जी। कभी डांस किया, मौका मिला? जी मिला था, अब नहीं करते हैं। अब नहीं करते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और बच्चियाँ हमारे साथ, क्या नाम हो बाबू आपका? जी मेरा नाम जीफड़ा है। कहाँ से हुए जी? बहादुरगंज भाटावाड़ी से। बहादुरगंज। तो ये बच्ची जो है हमारे इलाके की है, चूँकि मैं भी बासमेश्वर पंचायत से हूँ और लगभग 2-4 किलोमीटर दूरी है, तो एक बच्ची मिली जो हमारे इलाके से है भाटावाड़ी। किसका बेटी हुई आप? मैं मोहम्मद जुबैर आलम की बेटी हूँ। कौन सा टोला भाटावाड़ी? कोठी टोला भाटावाड़ी। जुबैर साहब की बच्ची हैं आप। क्या बनना चाहते हैं आप? जी मैं सिविल सर्विस करना चाहती हूँ। सिविल सर्विस करना चाहते हैं, ऐसा क्यों लगता है कि सिविल सर्विस ही ठीक है? ये हमको बहुत अच्छा लगता है, मतलब पहले से ही हमको अच्छा लगता है, ये मेरा हॉबी भी है और मुझे इस लाइन में मतलब पढ़ना अच्छा लगता है, और जैसे मेरा घरेलू माहौल है उसके हिसाब से मुझे इधर जाना चाहिए। जी। हॉस्टल के माहौल को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, बहुत अच्छा है। जिस दिन से मैं आई हूँ, मैं तो फिलहाल यहाँ पर 10th क्लास की तैयारी करने के सिलसिले में आई हूँ, तो मुझे जहाँ तक मुझे लगा मुझे सब कुछ अच्छा लगा है, मतलब खान पीन रहना सहना सब कुछ घरेलू माहौल की तरह है, और पढ़ाई का यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है। मैं जब से आई हूँ बहुत अच्छा से पढ़ाई कर रही हूँ, अपना किसी तरह का कोई डिस्टर्ब नहीं है। शौक रखते हैं खेलने का, कूदने का, गाने का, नाम क्या बोला था आपने? जी जूही फरा। जूही फरा, कोई शौक है आपके अंदर? जी मैं गाती हूँ, मतलब थोड़ा सिंगिंग का शौक है। थोड़ा सा गा दीजिए फिर। अच्छा, आपने समय सर का नाम सुना है? जी समय सर, यस सुना। कैसे जीऊंगी कैसे,
बता दे मुझको तेरे बिना कैसे जीऊंगी कैसे, बता दे मुझको तेरे बिना, तेरा मेरा जहाँ ले चलूँ मैं वहाँ कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले, रख लूँ बाहों में मैं खोलूँ पलके ना मैं कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले, मैं अंधेरों से गिरी हूँ दिखा दे तू मुझको सवेरा मेरा, मैं भटकती एक मुसाफिर दिला दे तू मुझको बसेरा मेरा। बहुत अच्छा, जितनी ज़्यादा तारीफ़ की जाए उतनी कम है, और सिंगिंग में भी आप बेहतर कर सकते हैं, इसमें भी स्कोप है, अगर आपकी ये हो तो इसमें भी आप अभी तो पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ले, उसके बाद चूँकि आपकी जो आवाज़ है ये भी काफ़ी जिसकी जितनी ज़्यादा तारीफ़ की जाए कम जाए। और कुछ याद है, चूँकि बहुत रिस्पॉन्स मिलेंगे आपकी आवाज़ को, इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूँ, अगर थोड़ा सा एक दो मिनट और कोई गा सकते हैं इसी बेबाक आवाज़ में। एक इंडियन रैप याद है, भारतीय शरीर मेरा देश मेरी जान है, अकेला मैं तो कुछ नहीं मेरे देश से पहचान है, गर्व मुझको खुद पे भारतीय हो निशान है, तू ना समझ तो ले समझ क्यों जान के अनजान है, भारतीय शरीर मेरा देश मेरी जान है, अकेला मैं तो कुछ नहीं मेरे देश से पहचान है, गर्व मुझको खुद पे भारतीय हो निशान है, तू ना समझ तो ले समझ क्यों जान के अनजान है। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत खूब बहुत खूब। चलिए मैं और बच्चियों से बात करना चाहूँगा, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम तोहफा खानम है। और कहाँ से हुए आप? बहादुरगंज से। आप पंचायत? मेरा पंचायत बहादुरगंज में, मेरा प्रॉपर घर जो है टेरागंज है, टेरागंज में मटियाड़ी पंचायत से हूँ। मटियाड़ी? हाँ जी। बहादुरगंज अली हुसैन चौक जी। मटियाड़ी कौन सा टोला? खर्रा बिलवाड़ी। खर्रा बिलवाड़ी जी। एमडी तामिद हुसैन की बेटी हूँ। चूँकि तामिद हुसैन साहब की बेटी हैं, चूँकि मैं इन जगहों का नाम टोला के साथ इसलिए पूछ रहा हूँ चूँकि इन जगहों पे तमाम तरह चीज़ों को मैं जानता भी हूँ। मठियारी टेरागाज एक ऐसा विधानसभा है जहाँ सड़कों की हालत ख़राब है, बहुत पीछे है नदी कटान करके, क्या अगर आप कुछ बढ़िया करती है तो अपने इलाके के लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे आप? हाँ, मैं सिविल सर्विस का तैयारी कर रही हूँ, बीपीएससी और प्लस पीजी भी कर रही हूँ, और मुझे जो है यहाँ पर रहने का पर्पज़ है कि मैं यहाँ से अच्छे से पढ़ाई करूँ और निकालूँ। और यहाँ पे जो है किशनगंज में मैं देख रही हूँ फिजा जो गर्ल्स हॉस्टल है, किशनगंज के भीड़भाड़ इलाके से थोड़ा दूर और स्वच्छ जगह पे शांति माहौल है यहाँ पे, जहाँ पे ये फिजा गर्ल्स हॉस्टल है, और काफ़ी अच्छा है पढ़ाई के मामले में। जो ऐसा होता है कि बहुत कोई हॉस्टल जो चलाते हैं एक बिजनेस के पर्पज़ के चलाते हैं, मगर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। सर एम के रहमान सर जो हैं काफ़ी अच्छा हम लोग को फैसिलिटी दिए हुए हैं, एजुकेशन को आगे ले जाना चाह रहे हैं, इसलिए हम लोग को इतनी अच्छी सुविधा। रहमान सर के व्यवहार काफ़ी बेहतर है, लेकिन जो एक बच्चियों के जो के लिए जो होता है तो एम के रहमान सर तो कभी कभार आते हैं, जो वार्डन होते हैं, जो हॉस्टल इंचार्ज बोल सकते हैं उनको, उनका व्यवहार भी सही होना बहुत ज़रूरी है। आपका हॉस्टल इंचार्ज कौन है? मेरा हॉस्टल इंचार्ज जो है वो मिस आकृति है, और उनके व्यवहार का सही होना बहुत ज़रूरी है, अगर वो सही नहीं है तो फिर सर के व्यवहार से, चूँकि आपके साथ हमेशा तमाम तरह चीज़ें आप सर को नहीं शेयर कर सकते हैं जो आप आकृति मैम को शेयर कर सकते हैं, तो उनके व्यवहार के बारे में पहले आप हमें बताइए। जी वो काफ़ी अच्छी है और हम लोग का अच्छे से ख्याल रखती है, बच्चों को कितने टाइम पर बाहर जाना है आना है वो सारी चीज़ का ध्यान रखती है, और अच्छा खासा फैसिलिटी है। जैसे मेरा हॉबी है टेनिस और बैडमिंटन, तो वो भी चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है और हर एक चीज़ की सुविधा है। टेनिस खेलती हैं आप? यस yes। अगर कहीं प्रतियोगिता हो तो हम आपको संपर्क कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। एक चीज़ क्या बनना चाह रहे थे आप? बीपीएससी? नहीं मैं बीपीएससी का तैयारी कर रही हूँ।
और सिविल सर्विस में और भी आगे जाना है, यूपीएससी का भी तैयारी करनी है। देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को हम भी दें, तो क्या वो मुतमईन होकर फिजा हॉस्टल में? हाँ, किशनगंज में सबसे अच्छा जगह है क्योंकि एक शांति माहौल है यहाँ पे पढ़ने के लिए, काफ़ी अच्छा सुविधा है। जैसे मैं बीपीएससी का या यूपीएससी का जो तैयारी कर रही हूँ उसमें काफ़ी पढ़ना पड़ता है, तो एक शांति माहौल होना बहुत ज़रूरी है और ये शांति माहौल हमारे फिजा गर्ल्स हॉस्टल में मौजूद है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और दो बच्चे हमारे साथ है, फटाफट हम चाहेंगे कि उनसे भी उनका ओपिनियन ले लिए। हाँ, ले लिया जाए। क्या नाम हुआ आपका? समलीन परवीन। कहाँ से हैं समलीन जी? बहादुरगंज। बहादुरगंज कहाँ से? प्लासमनी वार्ड नंबर 9। प्लासमनी वार्ड नंबर 9 से हैं आप। क्या नाम हुआ अब्बा का? रिजवान आलम। रिजवान आलम, मुखिया प्रतिनिधि रिजवान आलम क्या? नो सर, मामा है मेरे। मामा है। अच्छा, जो कौन मामा है आपके? हसन रजा। अच्छा, मुखिया हसन रजा साहब की भांजी है आप। चलिए, मुखिया जी से हमारा बहुत बेहतर ताल्लुकात है। कितने क्लास में आप? जी, मैं फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर में हूँ इस बार। क्या लगता है जो हॉस्टल है, यहाँ हॉस्टल की जो सुविधा है, यहाँ जो तमाम तरह चीज़ें, उसको लेकर आपका ओपिनियन क्या है? यहाँ पे बहुत अच्छा है। मैं यही कहूँगी कि जो किशनगंज जो हॉस्टल है, यहाँ सबसे अच्छा हॉस्टल यही है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है। पर के क्या बनने का इरादा? जी, मैं डॉक्टर बनूंगी, नीट की तैयारी करती हूँ। नीट की तैयारी कर रहे हैं। अपने गार्जियन का जो सपना है उसे पूरा करने के लिए आप मेहनत करेंगी या फिर जो बहुत सारा सपना है और घर वालों का सपना है कि मेरी बेटी डॉक्टर बने और मैं आगे जाए, उन सपनों को साकार करने का जज्बा रखती है आप? जी सर। हॉबी क्या है आपकी? चेस और म्यूजिक। म्यूजिक? यस सर। म्यूजिक गाने का या फिर सुनने? नहीं, सुनने का। म्यूजिक सुनने का, म्यूजिक गाने का नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? द्रक्षा नूर। द्रक्षा नूर कहाँ से हैं आप? ठाकुरगंज से। ठाकुरगंज से। अब्बा का नाम? मोहम्मद जकीर रहमान। जकीर रहमान, फिजा हॉस्टल को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अभी हम मतलब जब से ये हॉस्टल खुला है तभी हम आए थे यहाँ पे और हम भी अभी बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस का इसका, और हम ये रूम मेरा ही मतलब नीचे वाला है, तो यहाँ पे बहुत शांत माहौल है ऐसा। मतलब हम पहले भी यहाँ पे किशनगंज में और दूसरे हॉस्टल में रह चुके हैं, तो वहाँ के और यहाँ के माहौल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब यहाँ पे सारा सफाई भी रहता है, बहुत क्लीनिंग के साथ सारा खाना वाना सब कुछ अच्छा रहता है और बाथरूम वगैरह भी सारा सब कुछ साफ़ है और यहाँ पर नमाज वमाज पढ़ने के लिए भी ऐसा नहीं लगता है कि मतलब कोई पाक जगह नहीं है, ऐसा सारा साफ वाफ है, तो हमको बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। हॉबी रही आपकी? जी, पेंटिंग करते हैं। पेंटिंग करते हैं, कुछ पेंटिंग है आपको जो दिखा सकते? जी है, पर अंदर है। अंदर है। चलिए, आप क्या बनना चाहते हैं? हम भी सिविल सर्विस में तैयारी कर रहे जी। करें कुछ कहना। अच्छा, वो लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, क्या अपने बच्चों को यहाँ मुतमिन होकर दे सकते हैं? जी जी, बिल्कुल दे सकते हैं क्योंकि अभी किशनगंज में यहाँ पे एक तो ये साइड एरिया में है, बहुत शांत है और ऊपर से मदीना मार्केट में यहाँ पे मतलब कोचिंग वगैरह भी ज्यादातर है, तो यहाँ पे दे सकते हैं आराम से और यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है। सर भी अच्छे है और यहाँ की वार्डन भी अच्छी है, सर की वाइफ भी अच्छी है, सारा बहुत मिली जुली है, मतलब ऐसा फील आता है कि घर वाला माहौल है। फिजा गर्ल्स हॉस्टल जो कि किशनगंज के मदीना मार्केट में स्थित है, हॉस्टल की विविधा व्यवस्था पर हमने बात की, यहाँ के बच्चियों ने अपने ख्वाब के बारे में बताया, यहाँ की हालात के बारे में बताया, यहाँ की सिचुएशन के बारे में बताया। यहाँ पर प्रोग्राम भी चल रहा है, ये प्रोग्राम कौन चीज़ को लेकर चल रहा है, क्या तमाम तर चीज़ें हैं प्रोग्राम में, बच्चियों ने क्या तैयारी की है, हम चाहेंगे कि प्रोग्राम का भी हम कवरेज करें थोड़ा सा। और आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो में अंत तक बने रहें और बच्चियों ने जो अपनी बातों को आपके सामने प्रस्तुत किया इसके बारे में आपकी अपनी भी एक राय कायम कर सकते हैं। तो सभ्यता में शालीनते के साथ, जो कि बच्चे आपकी घर की हो या बच्चे हमारे घर की हो, बच्चे तो बच्चे होते हैं और सबकी कदर करना, उनकी मर्यादा तमाम तरजीहों का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है, जो कि हम एक सही समाज का निर्माण तभी कर सकते हैं जब नारी सशक्तिकरण के ख्वाब को पूरा तभी किया जा सकता है जब हमारी घर की बच्चियाँ घर से बाहर निकलेंगी और वो पढ़ाई करेंगे। हालाँकि सीमांचल में शिक्षा का जो दारोमदार है उसमें बढ़ोतरी हुई है, एजुकेशन का ग्राफ काफ़ी बड़ा है, लेकिन आज भी बेटों के मुकाबले बेटियों की पढ़ाई पर थोड़ा सा हम कम तरजीह देते हैं। हमें सोच को बदलने की ज़रूरत है, जब हम सोच को बदलेंगे तभी हम एक बेहतर भारत का निर्माण कर पाएंगे। बस खुशी से दुआ दे गई। बेशक बेशक बेशक। माँ की यादों से दामन चुरा ले गई, माँ की यादों से दामन चुरा ले गई, बेटियां घर की रौनक चुरा ले गई, बेटे लड़ते रहे सरजमी के लिए।
रहे सर जमी के लिए बेटियां बस खुशी से दुआ दे गई। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की किल्लत है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जनाब के रहमान सर को इस फिजा गर्ल्स हॉस्टल जो ब्रांड ऑफ देश में रहते थे, दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। अपने मिट्टी के खुशबू के मिलकर देश